Yo, what's up everybody, it's your gamer Bo here and welcome back to another gameplay video. Guys, यार आज हम लोग दोबारा से माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं. पिछली बार हमने अपना विलेज में एक छोटा सा घर ढूंढा था एंड आयरन के टूल्स में अपग्रेड किए थे. सो आज हम लोग जाने वाले हैं डायमंड की माइनिंग करने एक माइन पे. मेरे को पता है, मैं जब ऐसे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल खेल रहा था मुझे एक माइन दिखी थी उधर. सो गाइज, आज हम लोग उधर जाने वाले हैं. ये वाले वीडियो भाई एकदम तबाहीदार होने वाली है. तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब दबा दो. लाइक वाला बटन को ऐसे और सब्सक्राइब वाले बटन को ऐसे पूरा भाई ऐसे करके पूरा दबा दो एंड शुरू करते हैं गाइस आज का ये माइनक्राफ्ट वीडियो. गाइस यार हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं. ये हमारा माइनक्राफ्ट एंड ये मेरे प्लेयर. मैंने एफओबी, चलो एफओबी मैंने सही करके रखा है. सो लास्ट वाले वीडियो में हमने इधर छोड़ दिया था एंड जैसा मैंने बताया मेरे को एक माइन मिली. वो मैं कहाँ पे मिली है मैं बताऊंगा. उससे पहले फिर विलेजर से बात करके आया जाए. विलेजर्स कैसे हो भाई, कैसे हो? रुको मैं साउंड बना लूं भाई. डन, फुली साउंड है. हाँ चलो. सो भाई मेरे को लगा मेरा साउंड कम है बट अभी बात नहीं करते. और भाई ओए मुखिया कैसा है, आई एम बैक. और गाइस मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना मेरी स्किन दोबारा बैक हो गई. ये आपको कैसा लगा मेरे को बताना बट अभी उसके बारे में बात नहीं करते. एंड चलो पहले हम चलते हैं थोड़े से टूल्स बनाने के लिए बिकॉज हमको चाहिए होगा बहुत सारे पिकैक्स. बिकॉज पता है यार डायमंड माइनिंग में बहुत ज्यादा पिकैक्स खर्च होते हैं. एंड एक सेकेंड भाई, इस सर्वर में कौन आया था, ये लावा हवा कौन डाल के गए? लू लॉल भाई, लावा हवा कौन डाल के गए इस सर्वर में? क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है. चलो अभी उसके बारे में बात नहीं करते. मेरे को अभी थोड़े से स्टिक्स चाहिए होंगे भाई, उसको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है बट हम तोड़ेंगे बिकॉज मेरे को और थोड़े चाहिए, मेरे को और थोड़े चाहिए. सो मैं जल्दी से करता हूँ. मेरे को मिल गए 5 planks, 36 हो गए. ठीक है अभी मैं ये करूँगा. एंड चलो पहले मैं अपने घर पर चलता हूँ. आज गाइज हम डायमंड का आर्मर अगर जल्दी बन जाए तो आज हम घर भी बनाएंगे. कोशिश करूँगा मैं घर बनाने की बट उससे पहले पहले इन भाई साहब से मिलके आया जाए. क्या क्या इन लोगों ने काम किए? काम तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा किया भाई, अगर सही में बताने जाओ तो काम तो इन लोगों ने अच्छा किया. चलो ये सच है मेरा घर था. यस सो गाइज ये है मेरा घर एंड अभी मैं जल्दी से जाके इधर स्टिक्स बना लेते थोड़े से. ये चलो ये हमारे बन गए टोटल 8 स्टिक. और थोड़े अगर मैं वेस्ट करूँ 20 बन गए. एंड अभी उनसे मैं एक बनाऊंगा पिकैक्स. सो जल्दी से एक पिकैक्स बना लिया जाए. मैं स्पेशली अभी मैं 2 पिकैक्स लेके जाऊंगा, बाद में काम आएगा ना. चलो ठीक है ये हमारा 1 पिकैक्स. पहले एक ही पिकैक्स से चल जाएगा बिकॉज मेरे पास पहले से और एक है इसलिए मैंने 2 पिकैक्स बोला. सो चलो अभी चलते हैं डायमंड की माइनिंग करने. और मैं थोड़े खाना वाना खा लेता हूँ बिकॉज आज डायमंड की माइनिंग भी करनी है साथ साथ आयरन भी ढूंढना है. तो मैं माइन करने वाला हूँ एक करेक्ट लोक मतलब करेक्ट लोकेशन से ताकि उधर हमको डायमंड्स मिले. मतलब ऐसा नहीं कि भाई चांद ही नहीं मिल जाए डायमंड, ऐसा होना चाहिए. तो इसीलिए मैं एक मेरे को एक करेक्ट लोकेशन मिली है जहाँ पे शायद से डायमंड्स मिल जाए, मेरे को पता नहीं उसके बारे में ज़्यादा बट हाँ चलो पहले हम चलते हैं. एंड रुको इधर इधर ये होना चाहिए कि तो मैं जल्दी से तो खोद लेता हूँ थोड़ा. ठीक है एंड भाई चलो एंड गाइस अभी थोड़ा इधर खोद लेते हैं. मैं एक स्ट्रिप माइन बना लूँ उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ. ठीक है गाइस. गाइस मैं स्ट्रिप माइन बना रहा था, मेरे को आयरन मिल गया भाई. अच्छा भाई चलो मैं एक दूसरी आयरन की पिकैक्स भी बना लूंगा. तो मेरे पास और एक आयरन पैरा होगा बट वो अभी ज्यादा नहीं चाहिए हमको. तो भाई अभी मेन कॉन्सेंट्रेट हमारा जो गोल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो चलो करते हैं भाई. गाइस यार भाई मैं डायमंड माइनिंग कर ही रहा था
एंड मेरे को फाइनली पूरे के पूरे 2 घंटे बाद मेरे को डायमंड मिल चुके हैं। एंड ये हमारा माइनक्राफ्ट का सबसे पहला डायमंड है। रुको, मेरे को आसपास बगल में देखना पड़ेगा कि और डायमंड तो नहीं। उससे पहले मेरे को फर्नेस बनाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा कोल है, तो मैं अपने इससे आयरन की पिकैक्स बना सकता हूँ। मैं जल्दी से, मैं फालतू में कॉबलस्टोन क्यों वेस्ट करूँ। यस चलो, अभी हमने रखा क्या पका है भाई, 21 नहीं पका सकते इनको, मैं पका लेता हूँ 16 ये हमने पका लिए थोड़े। एंड जब तक ये पकते हैं तब तक मैं और देख लेता हूँ इधर और डायमंड्स को, नहीं लेकिन मेरे को दिक्कत ना हो बाद में खोदने में। मैं जब डर गया था भाई, जब मेरे सामने से ज़ॉम्बी आया मैं डर गया था, मैं सही में मजाक नहीं करूँ, मैं डर गया था भाई। अरे सही में भाई ऐसा जंप स्केयर कौन देता है यार, सीरियस जंप स्केयर दे दिया भाई, सही में जंप स्केयर दे दिया एकदम खतरनाक वाला। चलो मेरे को अभी डरने की ज़्यादा बात नहीं। एंड दे दो भाई 3 आयरन हो गए, एंड इधर और थोड़े होंगे, और भाई 3 आयरन, चलो चलो और ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी मैं डायरेक्ट एक पिकैक्स बनाने वाला हूँ, मैं क्राफ्टिंग टेबल इधर रख दिया, ये हमने रखी ऐसे करके ये, एंड ये हमारी बन गई आयरन की पिकैक्स जो अभी तक मैंने बनाई नहीं थी, मेरे को पता है। सो चलो पहले हम ये वाला डायमंड तोड़ते, उससे पहले मैं इधर देख लो और थोड़े डायमंड बनाना, खोदने में ईजी हो जाएगा। और होंगे शायद से इधर, अगर मेरे को खोदने जाओ तो और है भाई, कितने हैं ये देखो। चलो ओके डन, अभी हम इससे खोदने वाले। ये हमारा पहला माइनक्राफ्ट का डायमंड्स बॉयस ऑफ एडवांसमेंट के लिए अभी मैं वेट कर रहा था। एंड अभी हम गाइस एक परफेक्ट लेवल में आ चुके हैं, तो अभी मैं एक कमरा मैंने अभी बना दिए, अभी इधर से हम माइनिंग कर सकते हैं, तो मैं इधर एक अलग अलग कमरा बना दूँ ताकि मेरे को माइनिंग करने में ईजी हो जाए। तो मैं रुको एक सेकेंड, मेरी क्राफ्टिंग टेबल, मेरी पिकैक्स टूट गई भाई, मेरी बार बार पिकैक्स ही टूटती है पता नहीं क्यों, बट ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्टिक है भाई, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो इधर हम माइनिंग करने वाले हैं इन दो कॉर्नर्स पे हम माइनिंग करने वाले। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं खोदूंगा इधर, सबसे पहले मैं इधर खोदूंगा, और डायमंड सबसे ज़्यादा इधर मिलते हैं। सो गाइस मेरे को अभी देखते हैं अभी कब डायमंड मिलते हैं, तो अभी आप ये देखो, ठीक है अभी आप वीडियो को देखो, ये टाइम लैप्स जब तक मैं डायमंड माइनिंग कर रहा हूँ, ठीक है चलो। गाइस यार भाई बहुत ज़्यादा ही देर हो गई, अभी एक मैं काम करता हूँ, ठीक है। मेरे को एक झूल लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डायमंड्स तो मेरे को नहीं मिलने वाले, तो मेरे को एक ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्यों ना भाई चलो यार चलते हैं, एक काम करो ठीक है, मेरी पहले बात सुनो, क्यों नहीं काम करते हम लोग, चलते हैं ढूंढने के लिए मतलब मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ले तो। गाइस यार भाई मैं ढूंढ के तो आ गया, ठीक है मैं ढूंढ के तो आ गया, जो मेरे को ढूंढना है वो तो मैं ढूंढ के आ गया, बट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई कि मैं ढूंढ रहा हूँ -58 पे डायमंड मिलता है -54 पे, तो मेरे को 54 पे जाना, तो मतलब मेरे को जाना होगा 1 2 3 इधर सबसे ज़्यादा डायमंड मिलते हैं, मतलब 54 या 55 के बीच में मेरे को बोले जाने के लिए,
तो इसीलिए मैं काम कर दो, मैं ये वाला एरिया चूज कर दो, ठीक है? एक दो वन टू थ्री, ये हमारा 55 आ गए, ठीक है? अभी ये 55 लेवल पे अभी हम डायमंड माइन करते हैं, मैं देखता हूँ क्या इधर डायमंड मिलते हैं। मेरे मतलब से तो डायमंड्स मिल जाने चाहिए जितने मतलब से बढ़ गए। मैं ये कह रहा था कि भाई मैं कितने टाइम से माइनिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। फाइनली मेरे को डायमंड मिल चुके हैं, 24 डायमंड मिले, इतने में खुश रहना पड़ेगा, ठीक है? इतने में खुश रह जाएंगे हम रह जाएंगे, बाकी का पता नहीं, बट मैं तो रह जाऊंगा खुश, ठीक है? मेरा कुछ झूल नहीं है, मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर। बाय बाय माइनर वॉइस फॉर्म अप बजाक से हटके मैं 37 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की सकता, टोटल 37 मिनट्स की वीडियो। मैं मजाक से हटके, ये मजाक नहीं हो रही, ये सीरियस बात है भाई। मैं ये वाली वीडियो पता नहीं कैसे कॉम्प्लीट करने वाला हूँ, बट वीडियो खतरनाक होगी, बस ये बात भाई साहब। रुको, ये एक दो तीन भाई, चलो। सो गाइस, अभी डायरेक्ट मैं चलता हूँ ऊपर, मतलब डायरेक्ट मैं ऊपर जाने के बाद आपको, ठीक है गाइस? तो गाइस यार, फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ एंड अभी मैं ब्रेक लेके आया हूँ, ठीक है? अभी मैं एक सेकंड के लिए ब्रेक लेके आया था एंड चलो फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। हमारे पास 24 डायमंड है एंड अभी ये 24 डायमंड मेरे लिए एनफ है और एक डायमंड है डायमंड का आर्बर बनाने के लिए। सो ये 24 डायमंड मैं अच्छे से संभाल के रख देता हूँ एंड भाई इधर विलेजर की खेती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं सही में बताने जाऊँ तो, बट अभी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। एंड मेरा घर कहाँ पे है भाई, मतलब आज तो जल्दी तो नहीं हो पाया, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो पे हम घर बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो पे हम घर बनाने वाले और ये बैरल आयरन मैंने रखे होंगे और मेरे को पता है कि चीफ के घर के पास ही मेरा घर है, बट मेरा घर कहाँ पे? लॉल भाई, मेरा घर कहाँ पे? मैं घूम गया क्या? एक सेकंड, इधर है, ये भी नहीं है, बट चोरी हो गया, मेरा घर चोरी हो गया, लॉल। नहीं 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 नहीं, वाह भाई नहीं, कहाँ पे तो होगा? इधर 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 ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा। मैं क्यों ब्रिज करके जा रहा हूँ फालतू में? चलो कुछ नहीं होता ऐसे। एंड मेरा घर घर के, ये है शायद क्या? चलो भाई, यही है। ये भी नहीं, अबे कौन सा था, मैं भूल गया, सही में भूल गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में भूल गया। What? मेरे को पता है कि ये चीफ के घर के सामने ही मेरा घर था, मतलब चीफ का घर ये रहा, ठीक है? अगर मैं बताने जाऊँ तो चीफ का घर ये रहा, ये मेरा घर, घर तो ये मेरा होना चाहिए ना, कि मैं दूसरे विलेज में आ गया, समझ में नहीं आ रहा। चलो ये चलो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे एंड क्या मैं डायमंड कार में 24 डायमंड से पूरा बना सकता हूँ? आधा बच जाएगा, ठीक है? मुझे पता है क्या क्या बचने वाला है। सो मैं काम करूंगा, ठीक है? अभी मैं डायमंड कार में नहीं बना रहा, अभी मैं सबसे पहली बात एक डायमंड की स्वॉर्ड बनाऊंगा, ठीक है? आज हम गाइस पहली बार डायमंड की स्वॉर्ड बनाने वाले हैं और मेरा इन्वेंट्री फुल भर चुका है, तो मैं एक डबल चेस्ट बना देता हूँ ताकि मेरे को इन्वेंट्री में सामान ज्यादा रखना नहीं पड़े भाई, वरना इतना ज्यादा सामान रख रख के मैं परेशान हो गया। चेस्ट देख के रहा, चलो अभी मैं सामान शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ से। चलो ये हमारा पूरा माइनिंग का सामान है जो अभी मैं रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है? और ये 24 डायमंड से मैं सबसे पहली बार एक डायमंड की तरवाल बनाने वाला हूँ। 10 टिक लो, ये डायमंड की तरवाल आ गई और एक डायमंड की पिकैक्स, ज्यादा और कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है?
इतने डायमंड, ठीक है, और बाकी के डायमंड से मैं बनाऊंगा डायमंड का आर्मर, जो हम बनाने वाले नेक्स्ट वीडियो पे, जब हम घर बनाने जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो पे हम डायमंड का आर्मर बनाने वाले हैं। सो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप भाई आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी भाई, ये वाले माइनक्राफ्ट वीडियो भाई मेरे को बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग गया ना, मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा लगे, साथ साथ और 8 घंटे की एडिटिंग। तो भाई ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा टाइम लग गया बनाने में। तो गाइस इस वीडियो को देख के पूरा लाइक सब्सक्राइब ठोक देना है, जिन्होंने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है वो भी दबा देना। इस वाले वीडियो पे मैं टोटल लाइक एम करता हूँ 39 लाइक्स का, ठीक है, 39 लाइक्स का मैं एम करता हूँ, तो 39 लाइक्स हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में इतने ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।